किसान भाइयों राम राम। मैं राजीव भाटिया, कृषि विकास अधिकारी हिसार से, आज आपके बीच मैं लेके आया हूँ हमारे गांव जुगलाण, जो जिला हिसार में पड़ता है, इसके किसान हैं कुलदीप जी। इन्होंने कितने एकड़ में सरसों की खेती की हुई है? 45 एकड़ में सरसों की बिजाई कर रखी है। इस बार भगवान के आशीर्वाद से बारिश समय से होने पे, जो ये इनका एक एरिया था, बरानी एरिया है, यहाँ लगभग सारे एरिए में सरसों की बिजाई की जा चुकी है। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि सरसों के खेत के अंदर किस किस तरह की खाद कितनी मात्रा में और किस समय पे डालनी ज़रूरी है, तो मेरे पास पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। कई किसान अपनी सरसों के खेतों की फ़ोटो भी भेज रहे हैं, जिन्होंने समय रहते सरसों की बिजाई की थी और उनकी सरसों 45, 50 या 55 दिन की हो चुकी है, उनके खेत में तना गलन की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। तना गलन के बारे में बात करने से पहले, उसके रोकथाम के बारे में बात करने से पहले, मैं आपको कहूँगा, जिन भी किसान भाइयों ने अब अपना पहला पानी लगाना है या लगा चुके हैं, पहले पानी के साथ 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के रूप में वो अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो ये एरिया है सारा सरसों का, पिछले कई सालों से, 3-4 साल से ये समस्या आ रही है कि पहला पानी लगाने के बाद कुछ हद तक तना गलन की शिकायत आती है, लेकिन जब दूसरा पानी लगाते हैं या फूल और फली बढ़ने की अवस्था में सरसों का खेत पहुंचता है, उस टाइम पे तना गलन की वजह से पूरा पौधा सूख जाता है और फली के अंदर दाने नहीं बढ़ पाते। जो इस एरिए के इस क्षेत्र के जो लोग 20-25 या 30 मन तक सरसों की पैदावार ले रहे थे, तो जिन्होंने समय रहते उसके तना गलन का बचाव नहीं किया, उनकी जो सरसों की उपज है 10 से 15 मण तक आके रह गई है। ये यहाँ के जो किसान भाई हैं वो इसको तना गलन ना समझ के उखेड़ा रोग के रूप में जानते हैं, जो एकदम से फलियाँ या पौधे सूख जाते हैं खेत में 25 से 30-50% तक की। तो इसके बचाव के लिए हमें पहले पानी से ही रोकथाम करनी पड़ेगी। पहले पानी पे रोकथाम के लिए क्या करना है, पहला पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया वगैरह का छिड़काव देते हो, उसके बाद एकदम से ही अंतरप्रवाही फफूंदी नाशक कार्बेंडाजिम 50% का छिड़काव 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से खेत में छिड़काव करने से इस तना गलन रोग रूपी बीमारी का जो है रोकथाम की जा सकती है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फफूंदी नाशक हैं वो दो तरह के मुख्यतः हैं। एक तो अंतरप्रवाही, जो पौधे के अंदर रच के बीमारी की रोकथाम करते हैं, और दूसरा होता है स्पर्शीय विधि से, जो पत्तों के ऊपर लगने से बीमारी की रोकथाम करते हैं। तना गलन, क्योंकि तने के अंदर की गलने की बीमारी है, इसके अंदर आपको अंतरप्रवाही फफूंदी नाशक का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें कि कार्बेंडाजिम बहुत ही प्रभावी है। मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई जिनको हम कार्बेंडाजिम दवाई, जो भी कृषि विकास अधिकारी के पास जाता है या किसी भी डॉक्टर के पास, जो खेतीबाड़ी के डॉक्टर के पास जाता है, लिख के देते हैं, जब वो बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार उनको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब नाम की एक दवाई है वो भी दे देते हैं। वो दवाई काम जरूर करती है, लेकिन कम काम करती है, क्योंकि उसमें 12% ही कार्बेंडाजिम की मात्रा होती है, बाकी उसमें मैनकोजेब होता है। तना गलन की रोकथाम के लिए मैनकोजेब का कोई भी काम नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा, प्योर कार्बेंडाजिम दवाई लेके आनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ब्रांड नेम कोई ऐसा लेके आना है कि जो ज़्यादा प्रचलित नाम हो। जो भी आपको कार्बेंडाजिम अच्छी कंपनी की, सस्ते रेट में, बढ़िया कंपनी की मिलती हो, वो दवाई ले आनी है। 2 से 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपने छिड़काव करनी है। इसके अलावा एक और फफूंदी नाशक है जो बहुत ही प्रभावी काम तना गलन के लिए कर रहा है, वो है थायोफिनेट मिथाइल 75%। वो भी 2 से 2.5 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल भी आपने 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव करना है। अगर आप 16 लीटर के स्प्रे पंप की टंकी की बात करें तो 35 से 50 ग्राम तक ये दोनों दवाइयों में से कोई भी एक, कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट का छिड़काव आप कर सकते हैं। ये पहली अवस्था में तना गलन की रोकथाम के लिए प्रभावी है। अगर
एक इस छिड़काव के 200-250 रुपए के खर्चे से अपना 2-4-5 मण भी उपज में फायदा होता है, तो लगभग 8-10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आप पैदावार ज़्यादा ले सकते हो। इसके बाद जब भी जिस किसान भाई के पास दो पानी है, तो वो दूसरा पानी जब अच्छी तरह 100% फूल आपके खेत में आ जाए और फूल से फल बनने का जो समय है, फूल से फली बनने का जो समय है, उस टाइम के ऊपर दूसरा पानी लगाना है और 20-25 किलोग्राम जो बची हुई यूरिया की मात्रा है उस समय देनी है। उस समय के ऊपर भी अगर आपके खेत में लगता है कि तना गलन वगैरह की शिकायत दिखाई देती है, तो आप इन्हीं दोनों दवाइयों में से कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट में से कोई भी एक दवाई 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़क सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जब भी फूल और फली का टाइम आता है, तो एक आपके पत्तों के नीचे सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ दिखाई देने लगता है, जो कि अपने डाउनी मिल्ड्यू वगैरह ये बीमारियां हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप मैनकोजैब का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तना गलन आपके खेत में और वो जो सफ़ेद पाउडर वाली जो सफ़ेद रतुआ हम कह देते हैं हिंदी में उसको, वो बीमारी अगर आपको दिखाई देती है, तो आप एक नोट कर सकते हैं, मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजैब ये फफूंदनाशक 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और अपनी सरसों के खेत में जो होने वाली बीमारी है, सफ़ेद रतुआ है या फिर आपका तना गलन है, इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। मैं अंत में आपको दोबारा फिर कहना चाहूँगा, जैसे मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, कि कोई भी खेत के अंदर कीटनाशक, फफूंदनाशक या कोई भी बीमारी के कंट्रोल की दवाई आपने छिड़कनी है, आप अपने नज़दीकी कृषि विकास अधिकारी से मिलें, उससे सलाह लें, अपनी बीमारी के बारे में दिखाएं, खेत में ले जाके दिखाएं या पौधा उखाड़ के ले जाएं, ताकि बीमारी की सही पहचान करके सही मात्रा में फफूंदनाशक या कीड़े मार दवाई की जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में कृषि विकास अधिकारी आपको बताएंगे। अंत में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो। रेडियो कसूर।